हेलो एवरीवान वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑर्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडे वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द क्रेनियल नर्व्स सो वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द टोटल ट्वेल्व पेयर्स ऑफ ए क्रेनियल नर्व्स तो जो हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हैं और सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो उसके अंदर जो हमने अभी तक की जो different parts के जो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर के टोटल एट लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पार्ट नाइन ऑन दिस टॉपिक ऑफ ए नर्वस सिस्टम तो उसमें हमने ब्रेन के बारे में शुरुआत में सीखा फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिटेल हमने इंट्रोडक्शन सीखा था एज़ वेल एज डिटेल में पूरा ब्रेन उसके अलग अलग पार्ट्स उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड के बारे में सीखा और स्पाइनल कॉर्ड में से जो निकलने वाले स्पाइनल नर्व्स के बारे में भी हमने सीखा कि जो टोटल थर्टी वन होती है तो स्पाइनल नर्व्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि जो हमारा पार्ट एट लेक्चर था और आज का जो पार्ट नाइन लेक्चर है वो है ऑन क्रेनियल नर्व्स तो क्रेनियल नर्व्स की जिसके टोटल ट्वेल्व पेयर्स होती है तो उसके बारे में हम डिटेल में आज के लेक्चर में स्टडी करते तो टाइटल स्लाइड के अकॉर्डिंग टू आप यहां पे देख रहे होंगे कि अलग अलग क्रेनियल नर्व जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलफेक्टरी नर्व है कि ये वाले रीजन पे फिर ऑप्टिक ऑक्यूलोमोटर फिर ट्रॉकलियर ट्राइजेमिनल एबडूसेंस फेसियल अकुस्टिक ग्लोसोफेरिंजियल वेगस एसेसरी एंड ट्वेल्थ दैट इज हाइपोग्लोसल तो ये टोटल बारह क्रेनियल नर्व्स जो है वो हमें आज के वीडियो लेक्चर में डिटेल में स्टडी करनी है तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मर ऑग्स थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बी इन ए वन लैक फैमिली ऑफ फार्मर ऑग्स अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर ऑन एफ फार्मर ऑक्स तो सबसे पहले तो नर्वस सिस्टम क्या है कि जो स्टूडेंट डायरेक्टली ये लेक्चर ही अटेंड कर रहे हैं क्रेनियल नर्व्स का तो उनको थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि व्हाट इज द नर्वस सिस्टम तो नर्वस सिस्टम मतलब कि कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ ए नर्व्स कि जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं कि जो न्यूरोन सेल्स होते हैं वो न्यूर सेल और वो न्यूरोन से के कंपोजिशन से बनने वाली हमारी प्रॉपर नर्वस सिस्टम की जो हमें प्रॉपर कॉन्सियसनेस देती है एज वेल एज़ हमें सेंसेशन देती है कि जो हमारे आसपास जो भी कुछ बनता है जो भी कुछ घटनाएं होती है कोई चेंजेस होते हैं लाइक टेम्परेचर में चेंजेस होता है तो जो भी कोई सेंसेशन हमें होते हैं दैट इज़ ड्यू टू द नर्वस सिस्टम एज वेल एज़ जो हमारी मूवमेंट है कि जो हम कहते हैं हमारे मोटर रिस्पॉन्स कि जैसे हम हमारे जो मूवमेंट कर रहे हमारा जो हाथ है वो हिला सकते हैं हम कुछ लिख सकते हैं जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द नर्वस सिस्टम बिकॉज नर्वस सिस्टम प्रॉपर स्टिम्युलेट होगा कॉन्शियस होगा सेंसेशन देता होगा एज वेल एज मोटर रिस्पॉन्स देता होगा तो हम अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं इवन मैं जो अभी बोल रहा हूँ और आप सामने सुन रहे हैं तो वो हियरिंग जो हो रहा है और मैं जो बोल रहा हूँ दैट इज स्पीचिंग तो जो स्पीच है मेरी और आप जो सामने सुन रहे हो वो हियरिंग दोनों जो है वो ऑल्सो ड्यू टू द नर्वस सिस्टम की जिसके कारण हमें क्या होते हैं मेन तो सेंसेशन तो इसी के लिए पूरे बॉडी के अंदर ये न्यूरॉन्स जो है वो फैले हुए होते हैं और वो न्यूरॉन्स कंपाइल होके बनाते हैं हमारा नर्वस सिस्टम और उसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है कि जहाँ से पूरी नर्वस सिस्टम का ऑपरेटिंग होता है दैट इज़ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन में से जो न्यूरॉन्स निकलती है वो यूजअली कि जिनके स्टार्टिंग या फिर एंड पॉइंट ब्रेन के अंदर होते हैं दैट आर द क्रेनियल नर्व्स की जो हमारे चेहरे के आसपास फैली हुई होती है और जो पेरीफेरल नर्व्स होती है वो यूजअली स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती है और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है और उनको हम स्पाइनल नर्वस कहते हैं तो क्लासिफिकेशन नर्वस सिस्टम का कि दो पार्ट में फैला हुआ है हमारा नर्वस सिस्टम एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कि जिसके अंदर है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन न्यूरॉन्स के बेसिस पे है बिकॉज पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप की न्यूरॉन्स अवेलेबल होती है एक तो सेंसरी न्यूरॉन और दूसरी मोटर न्योन तो सेंसर न्यूरोन तो जो सेंस ऑर्गन्स के पास ज़्यादातर होते कि जैसे कि हम जो भी कुछ बोल रहे हैं तो दैट इज़ स्पीच तो जो स्पीच जो है हमारी वो ड्यू टू द जो है और सामने जो स्पीच जनरेट होने के लिए जो मोटर रिस्पॉन्स और सामने वाला वो स्पीच को सुनता है तो वो उसके लिए होगा सेंसेशन कि मैं जो बोल रहा हूँ दैट इज़ माई स्पीच ड्यू टू द मोटर मूवमेंट कि जैसे बोलते वक्त हमारे लिप्स की मूवमेंट होती है एज वेल एज जो टंग है उसकी मूवमेंट होती है और जो पूरा थ्रॉट भी वहाँ पे इन्वॉल्व होता है कुछ वर्ड के प्रोनाउंसिएशन्स के लिए तो वो मोटर रिस्पॉन्स हुआ बट सामने जो आवाज़ निकलती है और सामने वाला जो पर्सन सुनता है वो उसके लिए है सेंसरी और वो काम करेगी उसके ईयर्स तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है सबसे पहले तो एक तो मोटर न्यूरॉन्स वाला एक इफेरेंट कहा जाता है और जिसके पास सेंसरी न्यूरोन्स है दैट इज अफेरेंट अब जो मोटर मूवमेंट करता है मतलब कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आगे जाके और दो पार्ट में डिवाइड होगा कि ऐसे मूवमेंट के जो इनवॉलेंटरी मतलब कि जिसके ऊपर किसी पर्सन का कंट्रोल नहीं होता ऐसे मूवमेंट जैसे कि हमारे कार्डियक मसल्स है स्मूथ मसल्स है हमारा लीवर जो ऑटोमेटिक काम करता है हार्ट काम करता है एज वेल एज किडनीस के अंदर ऑटोमेटिक प्रोसेस चलती रहती है तो वो सब जो इन्वॉल्व होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर और वो मोटर फंक्शंस एएनएस के हैं, और उसमें भी दो तीन पार्ट पड़ते हैं पैरा सिंपेथेटिक एंड एंटेरिक और दूसरा जो है वो सोमेटिक की जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है कि वो वॉलेंटरी फंक्शंस जैसे कि सिंगिंग तो वो आपका मन होगा तो ही आप सिंगिंग करते तो वो आपका वॉलेंटरी फंक्शन हुआ रनिंग आपका मन होगा तो ही आप वॉक रनिंग करोगे सेम लाइक दैट वॉकिंग रीडिंग लिसनिंग तो ये सब जो है कि जब आपको कुछ रीड करना है तो ही लिखना है तो ही आप लिखेंगे देट और आर द वॉलटरी फंक्शंस तो ये इस तरह से पूरा पेरीफेरल नर्वस सिस्टम तैयार होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये ब्रेन कि जिसके अलग अलग पार्ट कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होती है बट स्पाइनल कॉर्ड में से जब हम आते हैं और ब्रेन के अंदर ट्रैवलिंग करते हैं तो सबसे पहले ब्रेन स्टेम आता है कि जिसके तीन पार्ट मेडुला पॉन्स मिड ब्रेन फिर आगे जाके जो सेंट्रल रीजन आता है वो सेंट्रल रीजन के अंदर जो है इन्वॉल्व होता है हमारा दूसरा पार्ट दैट इज कि वहाँ पे ये सेंटर में थैलेमस होता है हाइपोथैलेमस का रीजन होता है कि जो यहाँ पे लिखा है हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस फिर आगे जाके ये अलग अलग उसका जो ऊपर का जो पोर्शन की जो ये वाला जो होता है ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि उसके अलग अलग लोब्स होते हैं कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस सभी लेक्चर्स के अंदर ये सभी पार्ट्स को डिटेल में सीखा है फिर ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड और वो ये वाले वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रॉपर अच्छे से प्रोटेक्ट होता है तो ये ब्रेन का पोर्सन और ये उससे नीचे ये पूरा हमारा ये वाला जो पूरा लाइनिंग दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड तो स्पाइनल कॉर्ड में से निकलने वाली जो थर्टी वन पेयर थी स्पाइनल नर्व की वो हमने ऑलरेडी सीखा और आज का जो है कि टोटल ट्वेल्व पेयर है जो हमें सीखनी है वो क्रेनियल नर्व्स की तो शुरू करते हैं लेक्चर में तो ब्रेन सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ब्रेन तो ब्रेन इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी विथ हंड्रेड बिलियन न्यूरोन्स अब समझिए यहाँ पे अच्छे से कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर कितने न्यूरोन्स है हंड्रेड बिलियन न्यूरोन्स एंड टेन टू फिफ्टी ट्रिलियन न्यूरोग्लियल सेल होते हैं वहाँ पे कि जिसको हम ग्लिया सेल कहते हैं तो दस से लेकर पचास ट्रिलियन जितने होते हैं चार मेजर पार्ट के अंदर डिवाइड होता है हमारा ब्रेन एक तो ब्रेन स्टेम का रीजन, फिर दूसरा जो रीजन होता है डायनसेफेलन का रीजन, फिर सेरेब्रम का रीजन एंड फोर्थ दैट इज द सेरेबेलम तो अब जो बात है हमारी क्रेनियल नर्व्स की तो क्रेनियल नर्व्स जो है वो टोटल ट्वेल्व है टोटल बारह पेयर है हमारे क्रेनियल नर्व्स की एंड दैट कैन बी सीन ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द ब्रेन वेंट्रल सरफेस मतलब कि जो हम कहते हैं कि बॉटम सरफेस वेंट्रल मतलब कि जो बॉटम इसीलिए आप यहां पे देखिए ये जो डायग्राम के अंदर यहाँ पे जो दिखाई है दैट आर द ऑल फैक्टरी हम देख सकते हैं कि ये आप देख सकते हैं हियर दिज आर ऑल फैक्टरी दोनों साइड एक कि बिकॉज दिज ऑल आर इन ए पेर तो ऑल फैक्टरी जो है वो नंबर वन है उसका तो एक जो है वो यहाँ पे है और दूसरी ये साइड तो दो पेयर उसकी यहाँ पे कंप्लीट होती है दैट इज ऑल फैक्टरी सेम लाइक देख देखिए आप ऑप्टिक है यहाँ पे नीचे की साइड तो यहाँ पे एक है और हियर वन बिकॉज जो हमारा ब्रेन पूरा दो पार्ट में हम डिवाइड होता है एक लेफ्ट साइड और एक समझो कि राइट साइड का तो एक जो है वो लेफ्ट साइड होती है और दूसरी राइट साइड बिकॉज आप देखिए हमारे सेंस ऑर्गन्स के अंदर तो जो हमारी आइज देखे तो वो भी दो है एक आइज जो है वो लेफ्ट साइड है और एक राइट right साइड की साइड है सेम लाइक देख जो हमारा नोज है तो नोज के अंदर भी एक जो है कैविटी लेफ्ट साइड के नोज नोज के अंदर नीचे की और दो कैविटी एक लेफ्ट साइड और एक राइट right साइड फिर ईयर्स आप देखें तो हमारे दो ईयर है एक लेफ्ट साइड का ईयर और एक राइट right साइड का ईयर इस तरह से ये सभी जो है वो पैर के अंदर होती है और बॉटम सरफेस के अंदर हमें जो है वो ये क्रेडियल नर्व्स देखने को मिलता तो जब आप हार्ट ये हमारे ब्रेन को नीचे से देखते हैं बॉटम से तो बॉटम से आपको टोटल बारह प्रकार के ऐसे डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स जो है वो देखने को मिलती है सम ऑफ दिस नर्व ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन यहां पे समझिए क्या लिखा है कि सम ऑफ दिस ब्रिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन तो ये उसका हो गया एक फंक्शन जैसा हम कहेंगे बिकॉज कि समझो कि सेंस ऑर्गन थी आपका ईयर था तो सेंस ऑर्गन ईयर ने कोई आ, कोई आवाज के सेंसेशन लेकर आता है तो ये ईयर जो है वो आपका हो गया सेंस ऑर्गन और सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन की ओर जाती है जिसके कारण आप जो भी आवाज जो है वो सुन पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग टू आगे जो आप आपके रिस्पॉन्स देते हैं तो ये हो गए आपके सेंसरी फंक्शन हो गया है ये फंक्शन कैसा हो गया सेंसरी की यहाँ पे ईयर इन्वॉल्व हुआ ईयर ने सबसे पहले सेंस किया वॉइस को और वो वॉइस के अकॉर्डिंग टू जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन के पास गई और ब्रेन के अंदर वो डॉटल में उसका इंटरप्रिटेशन होता है अदर क्रेनियल नर्व्स कंट्रोल द मसल्स कुछ क्रेनियल नर्व्स हमारे ब्रेन के अंदर रही ऐसी है कि वो मसल्स को कंट्रोल करती है कि हमारे जो मसल्स और उसमें भी जो फेसियल मसल कि जो हमारे फेस पर फैले हुए जितने भी अलग अलग मसल्स है उनको कंट्रोल करने का काम करेगी एंड थर्ड अधर क्रेनियल नवसार कनेक्टेड टू द ग्लैंड और इंटरनल ऑर्गन सच एस हार्ट एंड लंग्स और ये हो गया उसका तीसरा फंक्शन तो ये तीन अलग अलग फंक्शन की एक तो सेंसर ही देखा कंट्रोल करेगी मसल्स को तो मसल्स तो हमें पता है कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण ही अच्छे से हमारी मूवमेंट होती हो पाती है कई बार एज वेल एस जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है हार्ट लंग्स वगैरह के समझो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं इनवॉलेंटरी फंक्शंस उसके अंदर भी हमारे ये क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं तो वो सेंसरी एज वेल एज जो हम कहें मोटर फंक्शन दोनों के अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती है तो अब जानते हैं उसके डिटेल में नंबरिंग के बारे में तो उससे पहले आप एक पॉइंट यहाँ पे एक और समझिए कि क्रेनियल नर्व्स आर टेल्व पेयर कितनी पेयर है उसकी ट्वेल्व देट कनेक्ट ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द हेड नेक एंड ट्रंक तो क्रेनियल नर्व्स कौन से कौन से पार्ट को कनेक्ट करती है तो एक तो ये ब्रेन का पोर्सन फिर आप हमारा जो नेक का पोर्सन है नेक का पोर्सन एंड नेक से नीचे जब जो है हमारा ट्रंक जहां पे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट है तो ब्रेन नेक एंड ट्रंक एज वेल एज जो ये पूरा हमारा हमारी बॉडी का जो है ऊपर का पोर्शन कहते हैं जो हमारा हेड है वो पूरा हेड को जो है वो साथ में कनेक्ट करती है तो ब्रेन से हेड का कनेक्शन आप देखो ब्रेन से नेक का कनेक्शन ब्रेन से हमारे ट्रंक और उसके अंदर रहे अलग अलग इंटरनल ऑर्गन ये सभी को अच्छे से कनेक्ट करवाने का काम करती है क्रेनियल नर्व और इन्हीं ये जो बारह क्रेनियल नर्व से कि यहाँ पे आप नंबर वन देते हैं फिर ये टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ये ट्वेल्व तो ये बारह जो क्रेनियल नर्व से वो अलग अलग रीजन तक पहुँचेगी कुछ क्रेनियल नर्व नेक के रीजन में पहुंचेगी कुछ की और जाएगी और कुछ हमारे फेड एज वेल एज हमारे फेस ऊपर फैलेगी कि जिसके कारण हमारे फेस पे भी कुछ टच होता है तो भी सेंसेशन होती है इवन समझे कि कोई इंसेक्ट बाइट कर देता है हमारे फेस के ऊपर तो भी हमें पता चलते हैं और कुछ भी सेंसेशन जो है वो हमें पता चलते हैं ड्यू टू दिस क्रेनियल नर्व्स और उसके सामने हमारे रिस्पॉन्स जिस जो है वो जनरेट होते हैं ईच क्रेनियल नर्व नेम फॉर देयर फंक्शन और स्ट्रक्चर क्रेनियल नर्व्स के जो नाम है वो उनके एक तो फंक्शन के बेसिस पे दिए हुए हैं और दूसरा उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे नाम दिए हैं। इच नर्व ऑल्सो रोमन न्यूमेरिकल बिटवीन वन एंड ट्वेल्व तो यहां पे तो हमने ये नॉर्मल नंबरिंग किया बट नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि रोमन नंबर से उनको कैसे लिखा जाता है जैसे दस जो है उसके लिए रोमन में हम एक्स लिखते हैं रोमन में एक्स तो वेगस जोनियल नर्व है उसके लिए सिंबल रहेगा एक्स वैसे ही ऑल फैक्टरी जिसके लिए हम वन इस, इस तरह से लिखेंगे फिर टू फिर ये टू इस तरह से लिखेंगे फिर थ्री फिर फोर तो इस तरह से जो रोमन नंबरिंग्स होते हैं वो रोमन सिंबल्स के अंदर हम ये क्रेनियल नर्व्स को डिस्क्राइब करते हैं तो क्रेनियल नर्व्स की जो ट्वेल्व पेर है और सभी का जो है वह फंक्शन है बेज ऑन सभी के जो नाम है बेज ऑन देयर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर तब तो जानिए उनके टोटल आ, लिस्ट अच्छे से तो सबसे पहले देखिए ऑल फैक्टरी नर्व तो ऑल फैक्टरी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जगह पे है तो यहाँ पे ऑल फैक्टरी नर्व आप देख सकते हैं फिर ऑप्टिक कि जो उसके थोड़े नीचे की सर ये सेकंड नंबर दैट इज ऑप्टिक थर्ड दैट इज ऑकिलोमोटर नर्व नंबर चार है वो है ट्रॉक्लियर नर्व नंबर पांच ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व नंबर दैट इज एबडूसेंस नर्व सेवन दैट इज फेसियल नर्व नंबर एट दैट इज वेस्टी वेस्टिबिलो कॉकलियर नर्व नंबर नाइन दैट इज ग्लोसो फेरेंजियल नर्व नंबर टेन दैट इज वेगस नंबर इलेवन दैट इज एसेसरी एंड नंबर ट्वेल्व दैट इज हाइपोग्लोसल नर्व तो ये सभी का नाम आपको अच्छे से याद रखना है कि नंबर सेवन है तो तुरंत आपको पता चलना चाहिए कि दैट इज द फेसियल नर्व नंबर दे टेन पूछा है एग्जाम के अंदर तो टेन नंबर आपको याद आना चाहिए कि दैट इज नंबर वन ऑलवेज ऑल फैक्टरी होती है नंबर टू ऑप्टिक तो अच्छे से प्रैक्टिस करके आपको रेगुलर जितना आप रिविजन करोगे ऐसा होता है चार्ट बना दीजिए आप कि अच्छे से कोई आप चार्ट बनाते हैं ऐसा और वो जो चार्ट है उसको आप आपके रूम के अंदर अच्छे से लगा देते हैं कि जो भी आपका स्टडी रूम है वहां पे एक चार्ट बनाइए और ये चार्ट के अकॉर्डिंग टू जो है वो स्टडी करिए कि चार्ट के अंदर आप ये रोमन सिंबल के अकॉर्डिंग टू सभी न्यूरॉन्स के नाम अच्छे से लिख लीजिए और रेगुलरली जब उसको आप देखेंगे तो ये न्यूरॉन्स जो है वो नर्व्स आपको याद रह जाएगी बिकॉज कई बार क्या होता है कि शॉर्ट फॉर्म भी याद तो रखने तो क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स जो हम कहते हैं ट्रिक्स जो होती है तो ट्रिक्स के लिए भी पहले तो वो ट्रिक का जो सेंटेंस होता है वही आपको याद रखना पड़ता है अगर वो सेंटेंस गलती से भूल गए तो उसके कारण ये न्यूरॉन्स भी शायद आप भूल जाओ तो बेटर है कि डायरेक्ट आप यही याद रखने की प्रैक्टिस करोगे तो कभी भी जो है वो आप भूल नहीं पाओगे बिकॉज एक बार जो एक बार माइंड में आपके फिट हो जाता है कि नंबर टेन वेगर सी है तो उसके लिए फिर कोई ट्रिक्स की जरूरत नहीं रहती सेम लाइक दैट नंबर सेवन आपको याद रह गया है कि दैट इज द फेसियल तो इस तरह से आप जितने प्रैक्टिस करोगे रिविजन्स करोगे चार्ट बनाओगे तो उससे जो है वो आपका इजिली इसका याद रखना हो जाएगा तो अब जरूरी है उसके फंक्शंस के बारे में तो देर फंक्शंस आर यूजली कैटेगराइज एज बीइंग एर सेंसरी और मोटर तो क्रेनियल नर्व्स के जो फंक्शन होते हैं एक तो सेंसरी फंक्शन होते हैं और मोटर जैसे कि आप यहाँ पे देखिए क्रेनियल नर्व नंबर वन जिसका नाम है ऑल फैक्टरी तो उसका जो टाइप है नर्व टाइप तो वो सेंसरी टाइप की है और उसका जो फंक्शन है वो है स्मेल तो ये हमारे कौन से ऑर्गन रिलेटेड है तो दैट इज अवर नोज कि हमारे नोज के साथ वो रिलेटेड है जिसके कारण हमें जो है वो स्मेल के सेंसेशन होते हैं कि किसी भी टाइप की जो स्मेल है वो हमें पता चलती है तो वो हमारे नर्वस सिस्टम की क्रेनियल नर्व्स और उसमें उसमें भी जो नंबर वन दैट इज ऑल फैक्टरी फिर नंबर टू देखिए ऑप्टिक उसका भी काम है सेंसरी और उसका जो फंक्शन है दैट इज विज़न और उसी के कारण वो इन्वॉल्व होगी हमारे ऑर्गन आइज के साथ कि हमारी जो आइज है वो हमें विजन प्रोवाइड करती है तो विजन के लिए दैट इज ऑप्टिक नर्व तो यहाँ पे लिखा है देखिए कि सेंसरी नर्व आर इन्वॉल्व विथ ए स्मेल हियरिंग एंड टच की जो भी हमें सेंस होते हैं एंड मोटर नर्व कंट्रोल द मूवमेंट एंड फंक्शन ऑफ मसल्स और ग्लैंड के ग्लैंड और मसल्स के मूवमेंट के लिए इसे देखिए नंबर तीन ऑक्यूलोमोटर है तो उसका जो फंक्शन है नर्व टाइप है वो मोटर है और मोस्ट आई मूवमेंट कि जो हमारे आइज की जो मूवमेंट होती है यहाँ पे बात है ऑप्टिक कि जिसने क्या किया आइज को विजन के लिए है कि जो हमारे आइज की जब एनाटॉमी देखेंगे तो आई की जो जो आईबॉल होता है उसके ये पीछे से ये जो न्यूरॉन्स जो जाती है हमारे ब्रेन के साइड तो ये हम कहते हैं उसको ऑप्टिक बट ये जो आईबॉल जो हमारा मूवमेंट करता है जो हमारा है आईबॉल तो आईबॉल की जो मूवमेंट होती है वो ऑक्यूलो मोटर उक्युलो मोटर फिर नंबर चार ट्रॉकलियर, तो उसका भी फंक्शन मोटर है एंड दैट मूव्स द आईज। तो यहां पे दो न्यूरोन्स ऐसी है क्रेनियल कि ऑक्यूलो मोटर एंड ट्रॉकलियर दोनों इन्वॉल्व होते हैं आइज की मूवमेंट के लिए फिर नंबर पाँच है दैट इज़ ट्राइजेमिनल तो उसके दोनों फंक्शन है बहुत सेंसरी फंक्शन भी है उसके पास एज वेल एज मोटर फंक्शन है और वो हमारे फेस के सेंसेशन एंड मेस्टिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि यूजअली uh, जो हमारे फेस के जो अलग अलग हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं कि आप जो अलग अलग फेस के सेंसेशंस देते हैं कि फेस ऊपर जो हमें अलग अलग सेंसेशन होता है तो ये सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ये ट्राइजेमिनल जिसका नंबर पाँच है फिर जो मेस्टिकेशन जो हम कहते हैं कि जो हम खाना चबाते हैं कि जो हम खाना चबाते हैं खाना खाते वक्त तो वो प्रोसेस कि जो हम मेस्टिकेशन कहते हैं तो वो भी एक मोटर फंक्शन हुआ तो ट्राइजेमिनल दोनों में इन्वॉल्व होता है सेंसरी एज वेल एज मोटर सेंसरी फंक्शन है उसका फेस के सेंसेशन का तो ये होगा फेस सेंसेशन दैट इज इट्स सेंसरी फंक्शन एंड मोटर फंक्शन है उसका मेस्टिकेशन के कौन से मोटर फंक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है ट्राइजेमिनल तो दैट इज द मैस्टिकेशन फिर नंबर छ है एबडूसेंस तो उसका फंक्शन है यूजली मोटर न्यूरॉन है वो तो एबडक्ट द आई कि जो हमारी आईज है उसके रिलेटेड की जो एबडू सेंस जो कहते हैं एबडू सेंस तो एबडू सेंस का जो काम है कि जो हमारी आईज को जो पकड़ के रखता है कि जो हमारे अच्छे से हम कहते कि एबडक्ट द आइस कि आइस को हम क्लोज करते हैं ओपन करते हैं तो वो जो है कि जिससे हमारे आइज जैसे कि हम होल्ड करके रखते हैं पकड़ के रखते हैं ऐसी एक्टिविटी है तो वो ये मोटर फंक्शन है उसका नंबर छ एबडूसेंस नंबर सेवन दैट इज द फेसियल तो वो दोनों के अंदर रिस्पॉन्सिबल है एक है उसका सेंसरी एंड मोटर सेंसरी जो है वो है फंक्शन दैट इज द टेस्ट और फेशियल एक्सप्रेशन वो उसका मोटर फंक्शन है मोटर फंक्शन हुआ उसका फेशियल एक्सप्रेशन और जो सेंसरी फंक्शन है दैट इज कि टेस्ट कि जिससे हमें अलग अलग टेस्ट पता चलते हैं फिर वेस्टिबिलो कॉकलियर तो कॉकलियर जो था और वेस्टी बिलो वेस्टी कॉकलियर तो उसका जो काम है वो है सेंसरी और ये हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है और उसका फंक्शन है ये सेंसरी की जो हमारे ईयर के साथ एसोसिएटेड है कि वेस्टी बिलो कॉकलियर की जो रीजन ही होता है हमारे ईयर का और वहाँ पे जो न्यूरॉन्स पहुँचती है उनका नाम पड़ता है वेस्टी कॉकलियर और उसका नंबर एट नंबर नाइन है वो है ग्लोसोफेरिंजियल उसके दोनों फंक्शन है बहुत टेस्ट उसका सेंसरी फंक्शन है और गैग रिफ्लेक्स जो है वो उसके मोटर फंक्शन है नंबर दस वेगस उसके भी बहुत गैग रिफ्लेक्स हो गया उसका फंक्शन एज वेल एज मोटर फंक्शन एज पैरासिम्पेथेटिक इनर्वेशंस के अंदर जो अलग अलग सेंसेशन हो गए एज वेल एज मोटर फंक्शन होंगे उसके अंदर इन्वॉल्व होता है नंबर इलेवन की जो एसेसरी है मोटर फंक्शन है कि सोल्डर स्रग एंड नंबर ट्वेल्व हाइपोग्लोसल की मोटर स्वेलोविंग और स्पीच की जो हमारी स्पीच जनरेट होती है जो हम कुछ बोल पाते हैं तो वो है मोटर फंक्शन ऑफ अवर क्रेनियल दैट इज नंबर ट्वेल्व हाइपोग्लोसल तो ये है वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी टेबल वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी इसको अच्छे से आपको याद रखना है नर्व्स के फंक्शन अब समझिए उसके लोकेशंस के बारे में तो द्रेनियन नर्व कंसिस्ट ऑफ ट्वेल्व पेयर नर्व्स दैट अराइज फ्रॉम द ब्रेन स्टेम ये देखिए ब्रेन स्टेम का ये रीजन है ये वाला ब्रेन स्टेम कि ये जो नीचे तो आ गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड और ये जो रीजन है हमारा ब्रेन स्टेम का तो नीचे से स्पाइनल कॉर्ड की ओर हम जाते हैं ये ब्रेन स्टेम और ब्रेन स्टेम के बाद फिर आगे हमारा ब्रेन का फोर्सन की जो हम डाय कहते हैं हाइपोथेलेमस थैलेमस का रीजन तो क्रेनियल नर्व कंस ऑफ ट्वेल्व पेयर ऑफ नर्व दैट अराइज फ्रॉम ब्रेन स्टेम तो आप देखिए यहाँ पे सभी जो है वो ब्रेन स्टैम के आसपास जो है वो उनके जो है वो अटैचमेंट है ब्रेन स्टेम के पास द ऑल फैक्टेरियन ऑप्टिक नर्व अराइज फ्रॉम एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन कॉल द सेरेब्रम तो सेरेब्रम का जो एंटीरियर पोर्शन है वहां से कि जो हम कहते हैं सेरेब्रम वहां से अराइज होती है कि ऑल फैक्टरी एंड ऑप्टिक नर्व अराइज फ्रॉम एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन कॉल ए फिर ऑक्लोमोटर एंड ट्रोकलियर क्रेनियल नर्वस स्टेम फ्रॉम द मिड ब्रेन उनके जो स्टेम है वो कहाँ पे है मिड ब्रेन के अंदर है फिर ट्राइजेमिनल एबडूसेंस एंड फेसियल नर्व्स अराइज इन द पॉन्स कि जो ब्रेन स्टेम का जो तीन अलग अलग रीजन हम कहते हैं तो उसका मिड ब्रेन का पोर्सन पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगाटा तो जो पॉन्स का रीजन है वहां से वो अराइज होती है यहां पे जो है कि ट्राइजेमिनल आप देखिए फिर एबडुसेंस और ये फेसियल तो यहां पे मैं येलो लाइन ले जा रहा हूं देखिए तो तीनो जहाँ पे ये तीनों येलो लाइन जहां ये जो है पोर्सन की जो हम कहते हैं पॉन्स का रीजियन ऑफ ए ब्रेन स्टेम वहां पे है वहां से वो अराइज होती है देन वेस्टी बिलो कॉकलियर वेस्टी बिलो कॉकलियर नव अराइज इन द इनर ईयर्स एंड गोज टू दैस्टिवलो जो हमारी क्रेनियल नर्वस है अराइज इन द इनर ईयर्स एंड गोज टू द ग्लोसोफेरसियल वेगस वेगस एसेसरीन हाइपोग्लोसन नर्वस आर एटेज टू द मेडुला ऑब्लॉन्गा तो यहां पर देखिये इपोग्लोसल एसेसरी वेगस एंड ग्लोसोफेर तो वो कहाँ पे अटैच यह है यहाँ पे देखिए और वो ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट की जो मेड्यूला ऑब्लॉन्गोटा रीजियन में यहाँ पे अटैच है तो ऑकोस्टिक जिसका दूसरा नाम है वेस्टिव बिलो कॉकलियर की जिसको हम टिक भी कहते हैं तो वो यहां पे देख सकते हैं और ये हमारी ऑल फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्टर एंड तो जो सेंसरी हम देखें तो टोटल तीन सेंसरी है अब इसका समरी देख लो आप कि टोटल क्रेनियल नर्व्स जो बारह है उसमें से टोटल सेंसरी कितनी है तो एक तो ऑल फैक्टरी वो आपके पास है सेंसरी फिर ऑप्टिक दैट इज ऑल्सो द सेंसरी एंड वेस्टिबिलो कॉकलियर तो ऐसे तीन ही है कि जिनका काम सिर्फ सेंसेशन का है तो ऑल की जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका जो फंक्शन है कि फॉर द सेंसेशन ऑफ ए स्मेल ऑप्टिक जिसका है फंक्शन सेंसेशन ऑफ ए विजन एंड तीसरा जो वेस्टिबिलो कॉकलियर जो हम कहते हैं अरिंग एंड बैलेंस उसके मेन फंक्शन है तो थ्री सेंसरी तो ये एम सी क्यू के लिए खास हाँ यहाँ पे एमसी क्यू के लिए मेन वेरी वेरी मोस्ट पे पॉइंट आ कितने टोटल सेंसरी क्रेनियल नर्व स्पेस के जिनके फंक्शन सिर्फ सेंसरी फंक्शन वाले है तो इसलिए ये चार्ट में हमने हाईलाइट किए है सिर्फ तीन कि जो आप देख सकते कि ऑलफेक्टरी ऑप्टिक एंड वेस्टी कॉकलियर दिस क्रेनियल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर सेंसेज ऑफ स्मेल विजन हियरिंग एंड बैलेंस दैट इक्विलिब्रियम। तो ये तीन फंक्शन हो गए स्पेशली हमारे मेन थ्री सेंसरी क्रेनियल नर्व के जिनके कारण हम स्मेल ले सकते हैं अलग अलग विजन हमें मिलता है और हियरिंग तो ये तीन सेंसरी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी के हमारे वो ये तीन सेंसरी क्रेनियल नर्व्स हमें प्रोवाइड करती है सेकंड समझिए दैट इज ओनली हैव ए मोटर फंक्शन दैट हैव ओनली मोटर फंक्शन दैट इज मोटर दैट इज ऑक्यूलो मोटर नंबर थ्री नंबर फोर दैट इज ट्रॉकलियर नंबर सिक्स दैट इज एबडुसेंस एंड नंबर नाइन दैट इज एसेसरी सॉरी नंबर इलेवन दैट इज एसेसरी एंड नंबर ट्वेल्व दैट इज हाइपोग्लोसल तो यहाँ पे आप देखिए जो मोटर फंक्शन है सिर्फ मोटर फंक्शन तो ये एक दो तीन चार और पांच टोटल पांच ऐसे क्रेनियल लव से कि जिनके जो फंक्शन है वो है ओनली मोटर की जो ऑक्यूलो मोटर वो होगा आपका फर्स्ट कि जो आइस की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है फिर दूसरा मोटर जिसका नंबर है क्रेनियल नर्व्स के अंदर नंबर थ्री ऑक्यूलोमोटर नंबर फॉर ट्रोकलियर दैट इज मूव्स द आइस फिर एपडू सेंस जिसका सिर्फ मोटर फंक्शन है एबडक्ट्स uh, डाइस की जैसे हम कहें कि हम जो हमारी पलके हमारी जब कहते हैं एज वेल एज जो हम आइज क्लोज करते हैं ओपन करते हैं वो जो मूवमेंट होती है वो एबडूसेंस के कारण एज वेल well एज एसेसरी की जो शोल्डर रग एंड हाइपोग्लूसल की जो स्वेलोविंग और जो स्पीच की जो हम बोल पाते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है तो दे कंट्रोल द आई मूवमेंट विद द ऑकिलोमोटर नाउ कंट्रोलिंग द प्यूपिल कंस्ट्रक्शन अब जो बात है वो है मिक्स कि जिनके दोनों फंक्शन है मिक्स मतलब कि उसका एक फंक्शन है और सेंसेशन का और दूसरा साथ में फंक्शन होता है मोटर फंक्शन तो मिक्स वाली देखिए सबसे पहले तो ट्राइजेमिनल कि उसका एक सेंसरी फंक्शन है फेस के सेंसेशन और मेस्टिकेशन की जो अभी मैंने बात की कि जो चबाते हैं हम कुछ भी तो वो चबाने के अंदर जो हमारी मोटर मूवमेंट होती है हमारे टीथ इन्वॉल्व होते हैं चबाने के अंदर तो वो प्रोसेस के अंदर ट्राइजेमिनल न्यूरॉन जो है वो इन्वॉल्व होती है फिर है दूसरा बॉथ वाला देखो आप यहाँ पे फेसियल तो फेसियल एक्सप्रेशन उसका मोटर फंक्शन और टेस्ट उसका सेंसरी फंक्शन है फिर बॉथ वाला यहाँ पे लिस्ट के अंदर ग्लोसोफेरेंजल की जो टेस्ट एंड गैग रिफ्लेक्स के लिए है और वेगस की जो उनकी उसके भी जो बॉथ गैग रिफ्लैक्स पैरासिथे सिंपेथेटिक इनर्वेशंस तो ये उसके हो गए मिक्स फंक्शन तो ये हो गए कि मिक्स फंक्शन वाले के जिनके दोनों फंक्शन होते हैं सेंसरी एंड मोटर तो ये भी आपको जब आप एग्जाम में लिखो तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से मेंशन करना रहता है ट्राइजेमिनल नर्व इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व यहाँ पे समझिए एक पिन पॉइंट है कि ट्राइजेमिनल नर्व इज द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व एंड इज इन्वॉल्व इन फेसियल सेंसेशन, चीविंग एंड कॉर्नियल रिफ्लेक्स तो जो हमारे फेसियल सेंसेशन होते हैं फिर जो हम चीविंग मतलब कि जो खाना चबाते हैं मैस्टिकेशन होता है और जो कॉर्नियल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो सभी के अंदर ये इन्वॉल्व होती है कि ट्राइजेमिनल की जिसका नंबर है पांच, कि क्रेनियल नर्व नंबर पांच ट्राइजेमिनल तो ये है इंपॉर्टेंट पेन पॉइंट ऑफ ए क्रेनियल नर्वस फिर जो ग्लोसोफेरेंजियल फेरेंजियल नाउ प्ले ए रोल इन स्वेलोविंग सेंस ऑफ टेस्ट एंड सलाइवा सिक्रेशन तो ये पॉइंट है कि एमसीक्यू के लिए कि जो ग्लोसोफेरेंजियल है कि जिसका नंबर है नाइन और यहां पे आप देख सकते हैं क्लोसो फेरेंजियल तो उसका जो रोल है स्वेलो के अंदर क्योंकि जो हमारा फेरिंग का जो रीजन है लैरिंग्स का रीजन है वहां तक पहुंचती है तो सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड जो सलाइवा व सिक्रेशन होता है खाना खाते वक्त या फिर हमारे ओरल कैविटी को अच्छे से लुब्रिकेट रखने के लिए तो ग्लोसोफेरेंजियल नर्व्स उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक पार्ट है उसका फिर नंबर टेन वेगस नर्व इज इन्वॉल्व इन स्मूथ मसल सेंसरी एंड मोटर कंट्रोल इन थ्रॉट लंग्स हार्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम तो ये दोनों पॉइंट एमसी क्यू के लिए खास इसलिए हमने अलग से ये दोनों पॉइंट को आपके लिए हाईलाइट किया है तो ये भी पॉइंट अच्छे से तैयार करिए सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग एंड अटेंडिंग दिस लेक्चर ऑफ एक नर्व जरूर से लाइक करिए वेल्यूबल कॉमेंट करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ऑल्सो एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज वीडियो लेक्चर ऑन एफ तो अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से आपको डाउनलोड करिए आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट